हेलो दोस्तों, आपका स्वस्थता चैनल में आज हम अपने वीडियो में हिमाचल के बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है। इस रेसिपी को हिमाचल में पलदा लड्डू नामों से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हिमाचल में बहुत ही पसंद की जाने वाली, हर घरों में बनने वाली दही तड़का हम कैसे बनाते हैं। तो हिमाचल की दही तड़का बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप एकदम फ्रेश ताज़ी दही ले लिया है। दही आपको खट्टी नहीं लेनी, एकदम ताज़ी दही लेनी है। और दही को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। 1 गिलास हमने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम दही को पतला कर लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। आप चाहे तो दही की जगह मट्ठा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दही को हमने थोड़ा सा पतला कर लिया है। दही को हमने फेंट कर तैयार कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू हैं। आलू को छिलके निकाल दिए। फिर आलू को हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था, अगर आप छोटे प्याज ले रहे हैं तो 2 प्याज ले लीजिएगा। और प्याज के साथ हमने 2 हरी मिर्च डालकर एकदम बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो प्याज को पतले पतले लंबे साइज में कट कर सकते हैं। फिर आलू को हमने छन्नी में डालकर आलू को हमने अच्छे से 2 बार पानी से धो लिया है। गैस चला के हमने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच आपको कुकिंग ऑयल डाल देनी है। जो तेल आप किचन में यूज करते हैं ले सकते हैं, तेल आपको ज़्यादा नहीं लेनी, एकदम थोड़ा सा तेल लेना है। तेल गर्म हो गई तो यहाँ पर हमने चुटकी भर हींग डाल दिया है। आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया तेल में। छोटे चम्मच 1 चम्मच कुटी हुई धनिया डाल देंगे। तो साबुत धनिया थी, साबुत धनिया को हमने खलबट्टे में डालकर दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर धनिया और जीरा दोनों लाल हो गई है। अब आपको कटे हुए प्याज और मिर्च को डाल देना है। अगर आपको दही तड़का ज़्यादा तीखा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, तो आप मिर्च को बढ़ा सकते हैं। अगर लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने लाल मिर्च का यूज नहीं किया है। तो प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस प्याज को इतना ही भूनना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तो प्याज को भूनने के बाद हम कद्दूकस किए आलू को डाल देंगे। आलू डालकर अच्छे से प्याज और मिर्च के साथ मिला लीजिए। तो आलू को हमने अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लिया है। तो मसाले में हम 1/2 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल देंगे। अगर आपको लगे हल्दी कम है तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर आप बाद में डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत लगे तो। 1/2 चम्मच लगभग यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। तो मसाले में सिर्फ आपको हल्दी और धनिया पाउडर ही डालना है। तो मसाला डालने के बाद आपको आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मीडियम फ्लेम पे आलू मसालों को अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, कि मसाला भी आलू के साथ अच्छे से भून जाए और आलू भी अच्छे से पक जाए। लेकिन गैस को आपको मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए आलू को ऊपर नीचे करते हुए आलू को आपको अच्छे से भून लेना है, जिससे आलू भी अच्छे से भून जाए, मसाला का कच्चापन भी दूर हो जाए। मीडियम ही रखना है, फुल बिल्कुल नहीं रखिएगा। अब मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए आलू को हम अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा आप आलू भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी दही तड़का बनके तैयार होगी। आप देख रहे हैं आलू को हमने अच्छे से भून लिया है, आलू अच्छे से भून गई है। आलू को भूनने के बाद यहाँ पे आपको पानी डाल देना है। तो 1.5 कप हमने पानी डाल दिया है। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितने आलू आपके अच्छे से पक जाए। तो पानी डालकर हमने मिला लिया है। इसमें हल्दी कम है तो थोड़े से आप हल्दी पाउडर डाल देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी पाउडर डालकर फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे हल्दी कम है तभी हल्दी डालिएगा, क्योंकि हमें हल्दी कम लग रही थी इसलिए हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। कढ़ाई को हमने प्लेट से ढक दिया है 5 मिनट के लिए, लेकिन बीच में 1 से 2 बार आपको चला के चेक कर लेना है। तो 2 मिनट हो गए, हमने प्लेट हटा दिया है। अब आलू को हम चला कर चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू अच्छे से नहीं पकी है, आलू में पानी है। अब फिर हम कढ़ाई को ढक देते हैं, क्योंकि आलू का सारा पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है और आलू को हमें अच्छे से पका लेना है। तो गैस को हमने मीडियम में रखा था, गैस को हमने फुल नहीं रखा था। तो आप देख सकते हैं आलू का सारा पानी अच्छे से सूख गया है। तो आलू को एक बार चला देते हैं और आलू को हम चेक कर लेते हैं। अगर आलू हमारी कच्ची होगी तो थोड़ी देर के लिए हम और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने चम्मच ले लिया, चम्मच हम थोड़े से आलू ले ले रहे हैं।
और इस तरीके से उंगलियों पर मैश करें तो आलू जो अच्छे से मैश हो जा रही है, यानी आलू हमारी अच्छे से पक गई है। तो आपको भी इसी तरीके से आलू को चेक कर लेना है। अगर आलू मैश हो जा रही है तो गैस को आप बंद कर दीजिएगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना, जो आपने आलू में पानी डाला है वो भी अच्छे से सूख जाने चाहिए, पानी नहीं रहने चाहिए। तो आलू भी अच्छे से पक गए हैं, पानी भी अच्छे से सूख गई है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती डाल दिया है। और धनिया पत्ती डालकर आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको धनिया पत्ती ज़रूर डालना है, जिससे आपकी दही तड़का टेस्टी लगेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो धनिया पत्ती डालकर हमने अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लिया। अब इस आलू को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अगर गर्म आलू में हम दही डालते तो दही हमारी फट जाती, इसलिए आलू को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। आलू जब ठंडी हो गई तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया है। तो थोड़ा सा दही डालकर हमने मिक्स कर लिया, फिर बचे हुए भी दही को हमने डाल दिया है। अगर आपको लगे दही गाढ़ी है तो थोड़ा सा दही में पानी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से दही तड़का पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने धनिया पत्ती डाल दिया है। धनिया पत्ती डालकर फिर दोबारा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दही तड़का इधर हिमाचली तरीके से बनके तैयार है। यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है। अब यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच से भी कम हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। जीरा पाउडर डालकर फिर हमने दोबारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दही तड़का बनके तैयार है एकदम हिमाचली तरीके से, बहुत ही टेस्टी यूनिक। अगर यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस तरीके से दही तड़का बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी है। आप इसे पूड़ी पराठे चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। जब भी आपका सब्जी बनाने का मन ना करे या फिर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। बहुत ही कम समय में बिना किसी झंझट के आप दही तड़का बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से दही तड़का बनाने का तरीका आपको पसंद आया है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।